आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दोपहर के फटाफट खबरों का। संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक रवाना हो गए हैं और इस दौरान वे समिट में हिस्सा लेने के अलावा चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल हुए कैबिनेट के बैठक में सभी मंत्रियों को हिदायत दिया है कि वह सुबह 9 बजे अपने कार्यालय में पहुंचने की कोशिश करें। इसके अलावा मंत्रियों से यह भी कहा गया है कि घर से काम करने से बचें और दूसरों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत करें। राजधानी दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त सफर कराने वाले दिल्ली सरकार की योजना का पहला औपचारिक प्रस्ताव बनकर तैयार हो गया है। दिल्ली मेट्रो ने इसे लागू करने के लिए 8 महीने का वक्त मांगा है और इस पर साल में करीब 1566 करोड़ रुपए खर्च की बात कही गई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 16 जून की सुबह सर्वदलीय बैठक बुलाई है और सर्वदलीय बैठक के बाद एनडीए की भी अलग से बैठक होगी जिसमें मानसून सत्र के लिए नए रणनीति पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने उप सचिव और निदेशक के पदों पर निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल करने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि इन पदों को IAS जैसी विभिन्न ग्रुप ए सेवा के माध्यम से चुने गए सरकारी कर्मचारियों और केंद्रीय सचिवालय सेवा के पदोन्नत अधिकारियों द्वारा भरा जाता था जिसमें अब प्राइवेट लोगों को भी मौका मिल सकता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और ऑटो से यात्रा करते हैं तो दिल्ली सरकार ने एक आदेश पारित कर ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ा दिया है जिसकी अधिसूचना केजरीवाल सरकार ने कल शाम को दी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 6 साल पहले ऑटो किराए में वृद्धि की थी। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव 2019 के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर खास रणनीति तैयार की है जिसके लिए बताया जा रहा है कि अमित शाह की इस खास रणनीति के अनुरूप ही हरियाणा की भाजपा सरकार कदम उठाएगी। IBHFL ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि उसके ऊपर दाखिल की गई याचिका को जल्द सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए। वहीं बताया जा रहा है कि मामले पर गौर करने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई जुलाई में सुनिश्चित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक खाता खोलने तथा मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिए आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने को लेकर बुधवार को एक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस संशोधन के बाद यदि किसी अन्य कानून की बाध्यता ना हो तो किसी भी व्यक्ति को अपना पहचान साबित करने के लिए आधार नंबर प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में अभी कुछ कहा जा रहा है कि इस मोर्चे में पूर्व सांसद से लेकर राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता शामिल हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में कई बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और इन सब के बीच खबर आ रही है कि मोदी सरकार OBC को मिलने वाले 27% आरक्षण के बंटवारे का नया फार्मूला निकाल सकती है। मेडिकल प्रवेश के लिए आयोजित नीट परीक्षा के परिणाम आने के बाद पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 19 जून से शुरू होने जा रही है जो 24 जून 5 बजे तक चलेगी। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए छात्र mcc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर से कमी की गई है जिसके तहत पेट्रोल में 7 से 9 पैसे कमी की गई है जबकि डीजल में 6 पैसे कमी की गई है और इस तरह दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 70 रुपए 35 पैसे हो गए हैं जबकि डीजल की कीमत 64 रुपए 33 पैसे है। उत्तराखंड सरकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर एक बार फिर से लगाम लगाने की तैयारी कर रही है जिसके लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ऐलान किया है कि एक प्राइवेट स्कूल की फीस पर नियंत्रण के लिए सरकार फीस एक्ट लाने की तैयारी में है। यूपी में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना लोगों को भारी पड़ने वाला है क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यूपी की योगी सरकार ने नए ट्रैफिक नियम की अधिसूचना जारी की है जिसके तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पहले से 5 गुना ज्यादा जुर्माना भरना होगा। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पार्टी की प्रदेश इकाइयों के प्रमुखों और महासचिवों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस बैठक में खास तौर पर इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव कैसे जीता जाए। आपको बता दें कि इस बैठक का उद्देश्य पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के कार्यक्रम सहित कई अन्य कार्यक्रमों को अंतिम रूप देना भी है।
बीजेपी ने बुधवार को अपने संसदीय दल की कार्यकारिणी का गठन किया, जहां लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के नेता होंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपनेता होंगे। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री थापर चंद गहलोत को सदन का नेता बनाया गया है, जबकि कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल को उपनेता नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रहने वालों को सीधी भर्ती, पदोन्नति तथा पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इलेक्ट्रिक कारों के भविष्य को देखते हुए राजधानी दिल्ली का पहला स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है, जिसे दिल्ली सरकार द्वारा बनाया गया है। आपको बता दें कि ये चार्जिंग स्टेशन साउथ एक्स पार्ट 2 में बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के जरिए जानकारी सामने आई है कि वर्ष 2018 में FDI 6% बढ़कर $42 अरब पहुंच गया है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की अंक डाटा की ओर से बुधवार को जारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2019 के मुताबिक भारत 2017-18 के दौरान FDI आकर्षित करने वाला शीर्ष 20 देशों में शामिल रहा। यह थी अब तक की फटाफट खबरें। उनके लिए अच्छी खबरें जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहली वैकेंसी है तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन में। यहाँ पदों की संख्या 5000 है। पद का नाम है गैंगमैन। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 10 जुलाई 2019। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवार को 12वीं पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 40 होनी चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतनमान 15,000 से 20,540 रहेगा। आवेदन करने के लिए आप www.tangedco.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी अच्छी नहीं लगी तो मैं आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। यह वैकेंसी है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस में। यहाँ पदों की संख्या 640 है। पद का नाम है असिस्टेंट्स। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 20 जुलाई 2019। आवेदक की आयु 18 से 30 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवार को ग्रेजुएट पास होना चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतनमान 33,000 प्लस अन्य भत्ते रहेंगे। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.epfo.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, और अगली वैकेंसी है साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड में। जी हाँ, आप इस इन्फॉर्मेशन को अमल कीजिए और इसे ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 5,500 है और पद का नाम है ट्रेड अप्रेंटिस। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 18 जुलाई 2019। आवेदक की आयु 25 से 40 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से 10वीं पास के साथ ITI पास होना चाहिए। मासिक आय 20,000 से 25,000 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.sccl.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि नौसेना भर्ती इंडियन नेवी ने भी भर्ती निकाली है। तो अब आप ये नौकरी पाने के लिए इस इन्फॉर्मेशन को गौर से देखिए। यहाँ पदों की संख्या 20 है। पद का नाम है ऑफिसर्स। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 18 जून 2019। आवेदक की आयु 21 से 28 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवार ग्रेजुएट होना चाहिए। पे स्केल 31,000 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.indiannavy.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, और यह नौकरी भी आपको लगता है आपके लायक नहीं है तो आप बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 778 है। पद का नाम है इलेक्ट्रिशियन। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 15 जुलाई 2019। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवार को 12वीं पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 30 होनी चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतनमान 25,000 से 30,540 रहेगा। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.bro.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप यहाँ भी नहीं जाना चाहते हैं तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगली वैकेंसी है SSC CGHL में। यहाँ पदों की संख्या 15 है। पद का नाम है क्लर्क। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 20 जुलाई 2019। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 40 होनी चाहिए। पे स्केल 24,500 रुपए। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.ssc.in पर जाकर ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको यह नौकरी भी अच्छी नहीं लगी तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 50 है। पद का नाम है मैनेजर्स। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 20 जुलाई 2019। आवश्यक योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएट। आवेदक की आयु 21 से 35 होनी चाहिए। पे स्केल 35,000 से 40,400 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.rajasthanuniversity.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा आप रेलवे पुलिस फोर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 85 है। पद का नाम है MTS। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख है 5 जुलाई 2019। आवश्यक योग्यता है 12वीं पास। आवेदक की आयु 18 से 28 होनी चाहिए। पे स्केल 35,000 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.rpf.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड ने भी वैकेंसी निकाली है। यहाँ पदों की संख्या 40 है। पद का नाम है जूनियर इंजीनियर। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 18 जुलाई 2019। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 28 होनी चाहिए। पे स्केल 30,000 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.icsil.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो आप डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 50 है। पद का नाम है टेक्नीशियन। आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 18 जुलाई 2019। आवश्यक योग्यता है 12वीं पास, ITI। आवेदक की आयु 21 से 30 होनी चाहिए। पे स्केल 53,000 रुपए। योग्य उम्मीदवार www.dmrcjodhpur.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, उपरोक्त सभी वैकेंसीज का ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण है आप वही भरिए, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये थी दोपहर के कुछ फटाफट खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दें, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सके अपडेट।